राजनीति से कान तक। अपराध से अंजाम तक। खेत से खलिहान तक। खिलाड़ी से मैदान तक। सितारों से आसमान तक। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। देश में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और सभी देशवासियों ने यह कामना भी की कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं गामा टाइम्स। इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी से, जहां अनोखे अंदाज में गणतंत्र दिवस मनाया गया। आपको बता दें, महिला संगनी ग्रुप ने शुभारंभ किया झंडारोहण कर और शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया क्षेत्रीय पार्षद आशियाना सेक्टर जे कमलेश सिंह ने, जहां पर झंडारोहण के साथ शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। वहीं पर हम आपको बता दें कि महिला संगनी ग्रुप और हरितिमा महिला ग्रुप ने बताया किस तरह से जिस पार्क में झंडारोहण कार्यक्रम किया जा रहा है उसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया है और इस पार्क को बनाया है पूरा सौंदर्यकरण कर कि यहाँ पर सभी क्षेत्रवासी आकर अच्छा वातावरण महसूस कर सके। तो वहीं संगनी महिला ग्रुप की अध्यक्षा स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि उन्होंने इस पार्क के सौंदर्यकरण के लिए अपने पति की पूरी सैलरी भी खर्च कर दी है। आइए डालते हैं यूपी ब्यूरो चीफ विक्रम कश्यप की एक रिपोर्ट पर नजर, जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी में गणतंत्र दिवस अनोखे अंदाज में मनाया गया और शहीदों को याद कर भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई। संगनी महिला ग्रुप ने गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण कर देश के शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव, संघ पार्षद कमलेश सिंह ने झंडारोहण किया। राजधानी स्थित सेक्टर जे मधुवन पार्क में देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। महिला संगनी ग्रुप के साथ हरितिमा महिला ग्रुप ने पर्यावरण पर भी काम किया है और मधुवन पार्क को सभी प्रकार के वृक्ष और पेड़ पौधों से महकाया है। रिटायर्ड बुजुर्गों के लिए मॉर्निंग वॉक की वजह से इस पार्क में शुद्ध वातावरण का भी ख्याल रखा गया है। अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि इस पार्क को बनाने के लिए उन्होंने अपने पति की सैलरी तक खर्च कर डाली। साथ ही उन्होंने वीर सपूतों को नमन कर बताया कि इस कड़कड़ाती हुई ठंड में वह बॉर्डर पर हैं, तब हम सब घर में सुरक्षित हैं। प्रदेश आज जश्न आजादी को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां पर आज आपको बता दें राजधानी लखनऊ में भी 73वें गणतंत्र दिवस को संगनी महिला ग्रुप ने बड़े धूमधाम से मनाया, जहां पर राजधानी के सेक्टर जे स्थित मधुवन पार्क में झंडा फहराकर देश के वीरों को नमन किया गया। हमारे साथ अध्यक्ष है स्मिता श्रीवास्तव और उनके सहयोगी लोग हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि आखिर इस गणतंत्र दिवस को किस तरह से मनाया गया। आज आपको बता दें क्षेत्रीय पार्षद कमलेश सिंह द्वारा झंडारोहण किया गया। मैडम, क्या कहना चाहेंगे, आज देश के आज कहीं ना कहीं जो वीरों का दिन है उसको आज बड़े धूमधाम से मनाया आप लोगों ने, तो क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और यहाँ सिर्फ संगनी की ही बात नहीं है, संगनी लेडीज क्लब तो ये कार्य समय समय पर ऐसे उत्सव सेलिब्रेट करती रहती है, लेकिन साथ में हरितिमा भी है। हरितिमा लेडीज क्लब ने भी साथ में उपस्थित होकर इस आयोजन को बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया। जी, गणतंत्र दिवस के बारे में मेरा तो कथन यही है कि 1947 में हमारा देश जो है स्वतंत्रता की बीड़ियों से मुक्त हुआ और उसके बाद शायद मैं अगर सही हूँ तो 73वां गणतंत्र दिवस हम आज मना रहे हैं। हमारा तो सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि हमारे पूर्वजों ने जो और सैनिकों ने सीमा पे
रहकर जिस तरह से भारत के को स्वतंत्र कराने में वो शहीद हुए, उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा दे दी, तो आज हमें ये सोच के फख्र भी होता है कि हम आज उनकी वजह से स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। इसलिए हमारा प्रथम कर्तव्य है कि उन्होंने जो ये समृद्ध धरोहर हमें दी है उसकी हम सुरक्षा करें और उनके प्रति शत शत बार उन्हें नमन करना चाहूंगी, उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहूंगी अपनी शहीदों को, और पूर्वजों ने जो भी हमें राह दिखाई है उस पथ पर मैं सत्यता के साथ चलना चाहूंगी। तो सुष्मिता जी, कहीं ना कहीं कई स्कूलों के साथ भी आप जुड़ी हैं, वृद्धा आश्रम के साथ भी जुड़ी हैं, तो लोगों के साथ आज किस तरह से सेलिब्रेट किया गणतंत्र दिवस को आपने? समय का अभाव था तो मैंने ये पार्क, मधुबन पार्क जो कि आशियाना में स्थित है, जिसे हमारे क्लब ने पल्लवित और पुष्पित किया है। पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे ये गणतंत्र दिवस मनाने हेतु यहाँ आए, हमने शहीदों को मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी, दीप प्रज्वलित किया, फूलों से उनको अभिसिंचित किया। हमारे पार्षद भी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद थे तथा हमारे आशियाना के सभी गणमान्य नागरिक भी इस सभा में उपस्थित थे। और इसके बाद जैसा कि हमेशा से चला आ रहा है कि स्वतंत्रता की खुशी मनाने के लिए, आज के दिन को खुशी से सेलिब्रेट करने के लिए हम लड्डू, मिठाई ये सब वितरित करते हैं, तो हम सभी लोगों ने चाय और स्नैक्स के साथ आज के इस पर्व को एंजॉय किया। इसके बाद मेरा प्रमुख कर्तव्य था कि बाल विकास मॉन्टेसरी स्कूल, जहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, जहाँ वो बच्चे हैं जो अभाव में हैं और उस तरह से उनकी शिक्षा नहीं ले सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए अच्छे कॉलेजेस वगैरह में नहीं जा सकते हैं, तो उस जगह मेरा बार बार जाना होता है। और आज का दिन इतना खास दिन था कि मैं उनको भी कैसे छोड़ सकती थी, अतः वहां जाके मैंने उनके साथ गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट किया। बच्चों ने अच्छे अच्छे कल्चरल प्रोग्राम दिए उनके साथ, उसी तरह से हम लोगों ने लड्डू वगैरह वितरित करके उनको प्रोत्साहित किया और अच्छे से उनको उत्साहित करते हुए गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ अध्यक्ष स्मिता श्रीवास्तव जी। अब हमारे साथ पीसी श्रीवास्तव जी, सर क्या कहना चाहेंगे आज इस जश्न आजादी के दिन को, गणतंत्र दिवस के दिन को? आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और गौरव का दिन है। आज सर्वप्रथम हम सभी भारतवासियों को इस गणतंत्र दिवस की वेला पर हार्दिक नमन एवं अभिनंदन। सब इसके साथ ही साथ हमको संदर्भ जाने में जिन महान भाव ने, जिन सैनिकों ने और जिन हमारे नेताओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया तथा प्रयास किया, उनको भी आज शत शत नमन करते हैं। आज हमारे वीर सेना जो है वहाँ डटी हुई है सीमा पर जी। और वो हमारी रक्षा के लिए पूर्णतया सजग है तथा इस बर्फीले मौसम में भी वो वहाँ पे गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और इसको देख के हमें फर्क महसूस होता है कि कितनी कठिनाइयों से, जहाँ की जीरो से नीचे डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ भी वो डटे हुए हैं, डट के हमारी रक्षा के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ ही जो है, हम आज अपने प्रधानमंत्री और श्री मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी जी को भी नमन करना चाहते हैं, जिन्होंने भारत को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण सहयोग दिया है और भारत को राम राज्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। बिल्कुल। इतने सालों से राम मंदिर जो है वो नहीं बन रहा था और वहाँ पे जो है वो चिंत में भगवान स्थित थे, तो पिछले साल उन्होंने जो है अपने प्रयासों से राम मंदिर को मुक्त कराया और अब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और भगवान चाहेगा तो हम एक राम राज्य की जो कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने और बहुत से महानायकों ने की है वह प्राप्त हो जाएगा। एक चीज मुझे आज और कहना है कि लोग राम राज्य की ही कल्पना क्यों करते हैं? बिल्कुल। क्यों नहीं किसी और की कल्पना करते हैं, पृथ्वीराज चौहान की राज्य की या विक्रमादित्य राज्य की या कृष्ण राज्य की?
क्यों रामलला जी की कल्पना करते हैं, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो कि लोगों को शायद पता नहीं है। इसलिए कि भगवान राम ने अपने ऊपर कष्ट सह के, अपने ऊपर हर तरह की विपत्ति सह के, अपने पति सीता का परित्याग करके भी प्रजा को सुख पहुंचाया। कहा जाता था कि उस समय जो वचन होते थे वचनबद्ध होते थे, लोग अपने वचनों पर खरा उतरते थे, तो इसी वजह से रामराज की परिकल्पना कहीं ना कहीं है। ऐसा नहीं है जी, मेन चीज क्या है कि भगवान राम एक मर्यादा पुरुषार्थ थे, उनके लिए उनकी जनता सब कुछ थी। हाँ, जो जनता के हित के लिए सारा कार्य करते थे, चाहे अपने परिवार को, चाहे अपने को वन भेजना हो, चाहे अपने परिवार के साथ दूरी बनानी हो, चाहे उनका परित्याग करना हो, सब कुछ करते थे, लेकिन प्रजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आज मोदी जी भी हमारे उसी तरह की कल्पना करके चल रहे हैं कि हमें चाहे कितनी तकलीफ हो जाए, हमें चाहे कितने कष्ट पड़ जाए, लेकिन हम प्रजा को तकलीफ नहीं देंगे। देखिए आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त भोजन उन्होंने बंटवाया है, राशन बंटवाया है, और उसके अलावा जो है जहाँ जहाँ पे है दूर 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 दराज गाँव में सबको बिजली पहुंचाई और शौचालय बनवाया और बहुत से काम करवाए। तो एक ये बिजली पहुंचाई बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, तो ये राम राज्य की कल्पना ही साकार हो रही है। इसलिए हम मोदी जी को नमन करते हैं, अपने योगी जी को नमन करते हैं, जो एक हमारे एक राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए प्रयासरत है, और अब उनके साथ साथ उनके सहयोगियों को भी हम नमन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जय गणतंत्र दिवस। चलिए, बहुत भारत माता की जय। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं जश्न आजादी है, देश के वीरों को नमन किया जा रहा है, याद किया जा रहा है। हमारे साथ हरितिमा और संगनी महिला क्लब के लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, बड़ा खूबसूरत सा आप लोगों ने पार्क बनाया है और जहां पर आपके अध्यक्ष ने भी बताया, तो आज जश्न आजादी पर क्या खास रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं गृहलक्ष्मी पांडे, संगनी महिला क्लब के पूर्व अध्यक्ष। पहले आज हम लोगों के लिए, भारतीयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, और 73वें गणतंत्र दिवस के लिए हम सब अपने देशवासियों को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और योगी और मोदी जी, हमारे मोदी जी और योगी जी, जिन्होंने देश के लिए इतना किया, हमारी गरीब जनता के लिए कितना कुछ किया, आज सब लोग उनके साथ हैं। और मैं भारत वासियों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मोदी जी को वोट देके फिर से मोदी जी को अपने देश में लेके आए। और जब हमारे मोदी जी और योगी जी रहेंगे तो हिंदुत्व तो जिंदा रहेगा। हिंदुत्व को अगर जिंदा रखना है तो मोदी और योगी जी को लाना जरूरी है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। क्योंकि देखिए हरितिमा, जो आपने पार्क बनाया इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे स्मिता जी से। आइए स्मिता जी, थोड़ा सा दिखाते हैं पार्क की खूबसूरती। आखिर ये जो पार्क है, ये जो सौंदर्यीकरण है, कब कराया था, किस सन में हुआ था? ये पार्क का सौंदर्यीकरण जो है, ये मुझे जहाँ तक याद है 2014 से, मतलब आप लोगों ने आइए चलते चलते बात करते हैं, मैं भी आपसे बात करूंगा। तो ये देखिए खूबसूरत सा ये जो मधुवन पार्क है, ये बड़ा खूबसूरत सा बनाया गया है। तो स्मिता जी, इसमें भूमिका किन किन लोगों की रही, किन किन लोगों का सहयोग मिला? ऐसा है कि शुरुआत तो ऐसे थी कि जब भी मैं यहाँ से गुजरती थी तो लोग यहाँ पे आने से डरते थे जी। और इसे जो है वो तिकोनिया पार्क के नाम से, अच्छा तिकोनिया पार्क किया जाता। तो खूबसूरत से पार्क में आज तिरंगा लहरा रहा है। आज तिरंगा लहरा रहा है और आज से नहीं, 2015 से कंटिन्यूस यहाँ पे राष्ट्रीय उत्सव जो है मनाया जाता है। इसके अलावा यही नहीं, सुंदर रूप लेने के बाद यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम जो धार्मिक होते हैं, सांस्कृतिक होते हैं, जैसे पिछले दिनों में डांडिया यहाँ पे हुआ, हनुमान जी की मूर्ति। चलिए हनुमान जी के मंदिर के पास चलते हैं। हम कहेंगे कैमरा मैन से थोड़ा सा आगे चले और दिखाएं पार्क की खूबसूरती को भी। और हाल ही में अच्छा मंदिर जो निर्माण हनुमान जी के मंदिर की प्रतिमा का किया गया, कितना समय हो गया, किस दिन किया गया था? ये नवरात्र के समय किया गया था। नवरात्रि का पर्व चल रहा था, उसमें बस ऐसा विचार आया कि जैसा कि हनुमान जो है वो वानर रूप है और वो उपवन में ही रहना पसंद करते हैं, तो उनके स्थापना करने के तो उद्देश्य था ये संकट मोचन है। और फिर जब ये पार्क में इनसे हम स्थापना कर रहे थे तो ये भी सोचे थे कि इससे उचित स्थान नहीं हो सकता, जो स्वयं के निर्माण से, पार्क के स्वयं के जीर्णोद्धार से ये बनाया गया
और इनकी सेवा में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो हम सभी ने मिलके आराध्य कुंज के रूप में स्थापित किया छोटा सा मंदिर जी। और सुबह शाम यहाँ पे जोत जलना, तो ये पूरे पर्यावरण को, पूरे पार्क के वातावरण को ये जो है मतलब शुद्ध रखता है, धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से शुद्ध रखता है। और हम लोग भी अपने को बड़ा सुरक्षित महसूस करते हैं कि जैसे महामारी और दुनिया भर की चीजें आसपास चल रही हैं, कुछ ऐसे मस्तिष्क भी हैं जो नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, तो उन सब का प्रभाव ये हमारे प्रभु काटते हैं। चलिए चलिए आइए मैम, क्या कहना चाह रही थी। ये जो बोर्ड लगा हुआ देखिए, यहाँ पर आराध्य कुंज के नाम से यहाँ पर प्रतिमा का निर्माण किया गया था संगनी महिला क्लब के द्वारा सेक्टर से। हाँ मैम, कुछ कहना चाह रही थी आपसे, बताइए। हम ये कहना चाह रहे थे कि हमको इस आशियाना में रहते हुए आज 35 साल करीब हो गए, जिस समय हम आए थे ये भारत अंसल ने जब डेवलप किया था तब तो ठीक था, लेकिन अंसल ने जैसे हैंडओवर किया सब लोगों को, हम लोगों को उसके बाद इस पार्क की जो दशा थी देखने लायक थी। मतलब लोग यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल डालते थे, पार्किंग करते थे अपनी गाड़ी की, कहीं रेलिंग नहीं थी, कहीं बाउंड्री नहीं थी। लेकिन ये जब से स्मिता श्रीवास्तव एंड पीसी श्रीवास्तव का आगमन हुआ हमारे आशियाना में, तो वाकई में देखा जाए तो इस पार्क के भाग्य खुल गए। लोगों ने इस पार्क को गोद लिया और बहुत अच्छी तरीके दिल से तन मन धन से इस पार्क को आज ये रूप दिया है, जिसका सब लोग इसका सुख उठा रहे हैं। और सब लोग हर फंक्शन यहाँ पे होता है, दिवाली होली सारे त्योहार को मिलके यहाँ के लोग मनाते हैं इसी पार्क में। चलिए चलिए, तो जैसे कि आइए स्मिता जी, मधुबन का जो बोर्ड लगा है वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो काफी लोगों की भूमिका रही होगी, नगर निगम की भूमिका रही होगी पूरे पार्क को सौंदर्यीकरण कराने में। ऐसा है, नगर निगम को तो हम लोगों ने शायद 2 साल पहले हैंडओवर किया है, मतलब उसके पहले ये बिल्कुल ऐसे ही था। तो एक तो मुझे इसका तिकोनिया नाम जो है मुझे थोड़ा अंदर से अच्छा नहीं लगता था, और सेकंड थिंग कि जो जंगल का रूप था, तो एक जो अहम मुद्दा था इसको डेवलप करने का, क्योंकि हमारे चारों तरफ रिटायर्ड पर्सन हाँ, हाँ, हाँ। ये जी। अब हमें टहलने की अगर इच्छा हो तो हमें दूर स्मृति व उपवन या तो हम अपनी बाइक से या हम अपनी किसी सुविधा से जा सकते थे, और अगर हम पैदल वॉकिंग करते थे तो उस कंडीशन में तेज बस की बसें जाती थी, स्कूल बसेस हैं, बाइक हैं, तो उनसे हम लोग को हमें डर लगता था। तो हमसे भी बुजुर्ग जो लोग हैं वो काफी दूर भी था, वो काफी दूर भी था। तो बस ये दिमाग में आया कि हमें तो जीवन यहीं पे सबके साथ बिताना, बच्चे भी हमारे बाहर रहते हैं, तो उस कंडीशन में बस एक अंदर से और पर्यावरण से मेरे को लगाव भी बहुत था। इत्तेफाक से मेरा घर भी डिस्टेंस पे है, जहाँ मेरे सामने लॉन की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अपनी इस सोच को मैंने इसमें डाला और ये पता था कि इसमें एक्सपेंडिचर हमारे बहुत आएंगे, तो यथासंभव हमारे यहाँ चारों तरफ जो लोग रह रहे हैं उन्होंने भी हमें मदद किया। बट जो समस्या थी वो बड़ी लंबी थी, फाइनेंशियली भी बहुत ज्यादा क्राइसिस उसमें महसूस हो रहा था, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं इस मुहिम को तो मैं सामने लेके आ गई हूँ, पर क्या आप कोऑपरेट करोगे, आप अंदर से कुछ सफोकेटेड तो नहीं हो रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये सोचो अगर चौथा बच्चा होता तो इस पार्क को मतलब एक बच्चे की तरह आपने लिया। यही कहना चाह रही हूँ, अदरवाइज इस पार्क की स्थिति तो ऐसी थी कि बारिश की बूंदें हथेलियों पे पड़ती हैं, पर कुछ समय के बाद उनका औचित्य खत्म हो जाता। तो विचार तो बहुत आता था कि कुछ ऐसा हो जाता और आस पास लोगों को टहलते देखना करना, तो बहुत तकलीफ होती थी देख। लेकिन मैं अपने हस्बैंड को भी क्रेडिट दूंगी और जिन्होंने मेरा सहयोग दिया उनका भी सम्मान करूंगी। इसमें वॉकिंग रैंप वगैरह सब कुछ फुल्ली डेवलप करके हमने नगर निगम को बड़े प्यार से इस पार्क को नाम मधुबन रखा जी। और मधुबन नाम से ब्रह्म कुमारी जी आकर्षित हुई, क्योंकि जो उनका माउंट आबू में उनका मेन ऑफिस है, मेन आश्रम है, वो माउंट आबू में, तो उन्होंने जब यहाँ मधुबन देखा तो लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने यहाँ शिव जयंती मनाई। अच्छा, यहाँ पे जी। और समय समय पर यहाँ पे बहुत कभी देवी जागरण कभी कुछ ये होता ही रहता है, तो पार्क का एनवायरनमेंट भी धार्मिक उससे जुड़े रहने के कारण बड़ा बड़ा पवित्र, बड़ा पावन। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। तो जश्न आजादी को कुछ अलग अंदाज में हर वर्ष मनाती है संगनी महिला क्लब, हरितिमा महिला क्लब, जहाँ पर हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि मधुबन पार्क का ये जो बोर्ड लगा हुआ है जिसमें
साफ तौर पर दर्शाया गया है कि संगनी महिला क्लब जो है और संगनी महिला क्लब और हरितिमा महिला क्लब के द्वारा इस पार्क का सौंदर्यकरण कराया गया, जहाँ पर हमने खास बात भी की गणतंत्र दिवस के अवसर पर कि आखिर जश्न आजादी को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किस तरह से ये लोग मना रहे हैं, जहाँ उन्होंने देश के वीरों को सलाम किया और उनको सत नमन किया और जो संस्था के लोग थे जो पीसी श्रीवास्तव थे उन्होंने भी कहा कि देश में जिस तरह से जो बॉर्डर पर लोग खड़े होते हैं तब हम घर में चैन की सांस लेते हैं, सुरक्षित सा महसूस करते हैं, इस कड़कड़ाती हुई ठंड में वो जब देश के बॉर्डर पर है तो हम अपने घर पे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन सभी वीरों को नमन और श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी। साफ तौर पर हमने इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको हरियाली की भी एक उदाहरण दिखाने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं जो लगातार पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का संदेश देती है, वृक्षारोपण के अभियान चलाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधे लगाने का एक अभियान चलाया था, जिसको कहीं ना कहीं सार्थक करने की बड़ी कोशिश संगनी महिला क्लब, हरितिमा महिला क्लब ने भी की। और इसका एक सीधा साधा उदाहरण ये मधुवन पार्क भी है, जिसमें हजारों की संख्या में पौधे हैं, अलग अलग प्रजाति के पौधे हैं, जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो गुड़हल का ये फूल है और ये किस चीज का पेड़ कहा जाता है, मोर पंखी। तो हर तरह के जो वृक्ष है जो उसको लगाने की कोशिश की गई है, वट वृक्ष है और कई तरह के वृक्ष है जो जिसको लगाकर हरियाली को प्रदूषण से बचाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि कितनी मेहनत की गई और क्षेत्रीय लोगों का किस तरह से सहयोग मिला, लेकिन बड़ी भूमिका जो रही है वो दो लोगों की रही है, जो हरितिमा महिला क्लब है, संगनी महिला क्लब। खास रिपोर्ट में आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हंगामा टाइम्स न्यूज की ओर से भी देश के वीरों को, शहीदों को सत सत नमन और श्रद्धांजलि। सहयोगी भारत के साथ में